नौनेर क्षेत्र में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन माता सती के चरित्र पर प्रकाश डाला गया और उनके बारे में श्रोताओं को क्या बताया गया है, आइए आपको भी सुनाते हैं। नौनेर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिवस में खंडपीठ इटावा की धरती पधारे आचार्य परशुराम द्विवेदी जी ने सती चरित्र पर प्रकाश डालकर अपनी मधुर वाणी से भक्तों को भावविभोर कर दिया। पूज्य आचार्य परशुराम द्विवेदी जी ने बताया कि शंकर भगवान की पत्नी मैया सती जैसे ही पतिव्रता थी, फिर शंकर भगवान ने उनका परित्याग कर दिया क्योंकि भगवान से मैया सती ने झूठ बोलकर भोले बाबा के इष्ट राम जी की परीक्षा ली थी, इसलिए भोले बाबा ने मैया का परित्याग कर दिया। पूज्य महाराज श्री ने बताया कि पति पत्नी के बीच यदि छल कपट आने लगे तो उनके जीवन की गाड़ी पटरी से उतरने लगती है, इसीलिए पत्नी कभी भी कोई मंदिर ना जाए और ना पूजा कर पाए, फिर भी वो यदि अपने पति को सर्वस्व मानती रहे तो वो पत्नी संसार के लिए पूजनीय हो जाएगी। इस पावन अवसर पर यजमान की भूमिका में रविंद्र सिंह, उनके सहयोग में रामवीर सिंह, राजीव सिंह, चंद्रभान सिंह, हिमांशु, आचार्य शैलन कुमार द्विवेदी व समस्त ग्रामवासी हिस्सा ले रहे हैं।